स्टूडेंट्स टुडे वी लर्न अबाउट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। सपोज दैट इन दिस रूल यू हैव टू डिवाइड द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। इसमें जब रिप्रेजेंटेशन करना होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर का तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज दैट द क्वेश्चन इज 5/8। हियर यू विल डिवाइड 5/8। फॉर दिस यू विल यूज द लॉन्ग मेथड ऑफ डिवीजन and you will divide 5/8. Since 5 is less than 8, so it is not possible to make the quotient by one time, so you will put here point and after that you will increase 0. Now it is 50, so read the table of 8. 8 6 is 48. Now subtract this number, so 10 minus 8 is equal to 2 and 4 minus 4 nothing. Now increase one more zero here and divide it by 8. 8 to the 16. So 10 minus 6 is equal to 4 and 1 minus 1 is equal to 0. Now increase one more zero. 8 5 the 40. In this way you can see that 5/8 is equal to, and if there is no any digit before decimal, so you can increase 0. So it will be 0.625. If this is, here you can see another rational number 7/11. Here also you will divide 7/11, 11 is more than 7, so it is not possible to make the quotient by one times, so you will take 0 and after that you will put decimal and you will increase 0.1. So now you will read the table of 11 to get the quotient properly. So 11 6 is 66, now 10 minus 6 4 and 6 minus 6 nothing. Increase one more zero over 4, it will be 40. So 11 3 is 33 and 10 minus 3 is equal to 7, 3 minus 3 nothing. You will increase when 1 zero over 7, it will be 70. It just come in the first form. पहले फॉर्म में जैसे 70 आया था वैसे आ गया, सो अगेन इट विल बी 6 टाइम्स एंड यू विल गेट रिमाइंडर 4 व्हेन यू विल इंक्रीज 1 0. सो आई कैन सी हियर दैट दिस नंबर इज नॉट गोइंग टू डिवाइड प्रॉपरली. आई लॉस्ट इट इज इट हैज गिवन एज अ रिमाइंडर, सो आई लेफ्ट द कोशेंट बाय 3-4 टाइम्स. 4 और 3-4 टाइम्स तक क्वेश्चन ले जा करके और हम स्टॉप कर देंगे. नो नीड टू डू फर्दर, और आगे करने की जरूरत नहीं है. इन दिस वे यू कैन सी 7/11 इज इक्वल टू 0.6363 एंड डॉट डॉट. दैट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल एंड 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 11. सो इन एवरी केस देयर विल बी समथिंग एज अ रिमाइंडर. So you will left after decimal 3 or 4 points, 3-4 point decimal के बाद आप इस division को left कर देंगे. Students, now you have to hit your attention about negative rational number. So the process is same as I have just told about you. I have just done before it. So process is same, but you have to give the negative sign. So how will you give? Suppose that, for example,
माइनस सिक्स बाई फोर, द नंबर हैज गिवन माइनस सिक्स बाई फोर, तो प्रोसेस सेम है, यू विल डिवाइड सिक्स बाई फोर, फोर वन जा फोर, व्हाट लेफ्ट, सिक्स माइनस फोर इज इक्वल टू टू, आफ्टर दैट यू विल गिव द पॉइंट एंड हियर यू विल इंक्रीज जीरो, फोर फाइव जा ट्वेंटी, तो इफ यू विल राइट सिक्स बाई फोर योर आंसर विल बी दिस साइन विल यू रिपीट हियर ऑल्सो, इफ इट इज निगेटिव सो यू हैव टू पुट द निगेटिव साइन हियर एंड आफ्टर दैट यू विल राइट द कोसाइंट माइनस वन पॉइंट फाइव एंड दिस विल बी योर आंसर। कहने का तात्पर्य है कि जब दिस रेशनल नंबर जब पॉजिटिव हो तो आंसर पॉजिटिव में लिखेंगे, रेशनल नंबर जब निगेटिव है तो इसे निगेटिव में लिखेंगे। नाउ यू हैव टू डू सम मोर क्वेश्चंस योर सेल्फ, आई कैन गिव यू सम होमवर्क, सो यू हैव टू नोट डाउन सम होमवर्क। स्टूडेंट्स नाउ दिस इज द होमवर्क फॉर यू, फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, बी केयरफुल, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स एज वेल एज नेगेटिव रेशनल नंबर्स ऑफ, यू कैन सी थ्री बाय नाइन इज पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, माइनस फोर बाय सिक्स इज नेगेटिव रेशनल नंबर्स, माइनस ट्वेंटी फाइव बाय थर्टी इज ऑल्सो नेगेटिव रेशनल नंबर्स, so you have to solve this type of questions to represent as a positive rational numbers and negative rational numbers, and fourth one is 0.256 upon 25, you have to solve also this, already it has in the decimal form, so how can you solve, if you will be get unable to solve these questions I will tell you later on when you will present in your school campus, thank you।